हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एट्थ का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर फोर्टीन आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्वेश्चन नंबर no. फाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर इसका देखा था अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे सो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इसी पेज पे दिया गया जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था इसका फोर्थ नंबर का प्रोफोल्स के नीचे से स्टार्ट है दो क्वेश्चन इधर इस पेज पे हैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हैं तो पहले दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन आपका गिवन है देखो फिफ्थ नंबर क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस ओके सो इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर विच इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट इसका आप आंसर अपने तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे आपको राइट करके दिखाया एसिडिक सोल्यूशन लाइक विनीगर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप और भी एग्जाम्पल यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है देन बेजिस में लिख दो बेजिस सोल्यूशन लाइक सोडियम क्लोराइड सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एन जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ठीक है एंड सोल्ट सोल्यूसन लाइक एन जिसको हम आप कॉमन सोल्ट भी बोलते बोलते हैं एक्स एक्ट्रा आर दा मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स दैट आर प्रजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नेक्स्ट आप सिंपली बोल सकते हो कौन से यहाँ पे आयंस रहते हैं आयंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है जो भी मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो आयंस क्या है इनके जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हुए सेकेंड क्वेश्चन स्टेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर सो आंसर द इलेक्ट्रिक टेस्टर आर यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक टेस्टर का काम क्या है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होता है इसका फिफ्थ का बाकी का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दो क्वेश्चन हमारा हुआ था फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन आप आपको क्या गिवन है यहाँ पे वट अ मैग्नेटिक नीडल इज नियर अ वायर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी देन क्या होता है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इफ अ मैग्नेटिक निडल इज केप्ट नियर अ वायर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी देन मैग्नेटिक मैग्नेटिकल डिफ्लेक्ट जो मैग्नेटिक मैग्नेटिकल होगा वो क्या होगा ही लेगा डिफ्लेक्ट होगा फोर्थ क्वेश्चन एट विच इलेक्ट्रोड डज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व वैन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी इज फास्ट थ्रू पॉन्ड वाटर आंसर एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व वैन इलेक्ट्रिसिटी इज फास्ट थ्रू थ्रू पॉन्ड वाटर क्लियर फोर्थ क्वेश्चन हो गया नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है इज अ अल्कोहल इज़ अल्कोहल अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू नो दैट अभी अब आपको मैंने पीछे बताया था इसके पहले वीडियो में अल्कोहल क्या होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कर फ्लो नहीं होती है कंडक्ट नहीं करता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है दैट्स वाई हम लिख सकते हैं अल्कोहल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट नाउ सिक्स सिक्स नंबर का देखें नंबर क्या दिया है वॉट आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन सॉलिड सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है देर आर सिल्वर गोल्ड कॉपर आयरन ग्रेफाइड एक्सेट्रा आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन सोलिड नेक्स्ट हमारा सेवन नंबर का क्वेश्चन गिव द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर तो आंसर आपका क्या आएगा टॉर्च बल्ब टेस्टर एलईडी टेस्टर इलेक्ट्रो मैगनेटिक टेस्टर दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर्स नेक्स्ट एट नंबर का स्टेट थ्री इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तीन इफेक्ट बताना है पहला है हीटिंग इफेक्ट दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट तीसरा है केमिकल इफेक्ट दीज आर दैट मीनस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है नेक्स्ट है नाइन नंबर का क्वेश्चन नाइन नंबर में क्या दिया है हाउ वी कैन चेक दैट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो आंसर फॉर चेकिंग वेदर द गिवन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट वी कैन यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एल ई डी टेस्टर ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन टेन में क्या गिवन है क्वेश्चन वॉट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग सो आंसर आएगा द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग A large uh, a layer of sorry, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity it is called the electroplating. Okay, now ten number question. What do you mean by chemical effect of electric current? So answer the passing of an electric current through a conducting liquid cause chemical reaction and thus the resulting effects or केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पर लिख पाया ट्वेल्व नंबर का वट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आंसर द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दट आर कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट थर्टीन वट आर दुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कोल्ड एज अ कोल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है थर्टिन क्वेश्चन हो गया हमारा अभी हम इस पेज का लास्ट क्वेश्चन हमारा मीन्स इसका फोर्टीन क्वेश्चन आगे के पेज पर पे देखेंगे बाकी के क्वेश्चन को तो इस पेज का लास्ट है नॉर्ट इस वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले ये देख लेते हैं सो so, आंसर आप लिखोगे द कम पास द कंपस नीडल सोज डिफ्लेक्शन वेन इट इज़ नियर बाई करंट कर वायर द कंडक्टिंग वायर बी है लाइक अ मैग्नेट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ओके सो यहाँ पे हमारा इस वीडियो के अंदर अभी या इस पेज पर पे जो है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तक हमने किया फिफ्थ का फोर्टीन का अभी चलेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे पेज के ऊपर नेक्स्ट पेज पर पे हम देखेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर पे इसका बाकी का क्वेश्चन देखते हैं और कितने क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में बाकी हैं उसको भी देख लेते हैं ओके स्टूडेंट तो नेक्स्ट पेज पे आ गया देख सकते हैं अभी एक क्वेश्चन इसका और बाकी है फिफ्थ का फिर वहाँ से सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा सिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और थोड़े बड़े बड़े हैं दो मार्क्स वाले हैं क्योंकि तो उसको भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे जिससे हमारा फिर बाकी एक वीडियो ही आना रहेगा फिफ्टीन नंबर का इलेक्ट्रोड्स वेन इलेक्ट्रिक करंट पासिसटर आंसर वेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू टैप वाटर ऑक्सीजन गैस इज रिलीज नियर दाइड्रोजन गैस इज रिलीज नियर द कैथोड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट में आपको देना है चलिए देखते हैं वेन द फ्री एंड ऑफ ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ट इन टू अ सोल्यूसन द मैग्नेटिकल सो दिफ्लेक्शन द मैग्नेटिकल सो द डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन आंसर द गिवन सोल्यूशन मस्ट बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करेंट दैट इलेक्ट्रिक पासिस थ्रू द सोल्यूसन एंड सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम यहाँ पे कंप्लीट When the electric pass through the tester, it produces a magnetic effect, and hence magnetic needle shows the deflection. Okay, this is the answer. Next, amara second question: A child is staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his Tester, tester he finds that the compass needle of needle Deflects more in case of sea water. Explain its reason. Why? So answer, seawater sea water is a rich in salts and minerals compared to drinking water. Thus, sea water is a better conductor of electricity than drinking water, and more current can passes through it. Therefore, deflection of magnetic needle is more in case of sea water. Okay. So here नेक्स्ट देखते हैं अभी हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड तो देखते हैं एक एक करके आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो सम पार्ट्स ऑफ कार्स देखोगे वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं देन सेकंड क्वेश्चन बाथ टैप्स होते हैं किचन गैस बर्नर्स होते हैं स्पून स्पूं होते हैं हैंडल बार ऑफ साइकल्स एंड रिम्स ऑफ साइकल्स होते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी टिन कैन ये सब क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं आप देख सकते हैं ठीक अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है राइट द फॉर्म ऑफ एल एंड स्टेट यूजेस ऑफ एल राइट द डिफरेंस बिटवीन एल ई डी एंड टॉर्च बल्ब पहले एल ई डी के बारे में लिखते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल ई डी दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड देन इसका एल ई डी के यूजेस हैं इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वीक करेंट इन द सर्किट एल ई डी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग इफेक्ट ऑफ एंड इलेक्ट्रिक करंट वाइल टॉर्च बल्ब वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो गया यूजर्स हमने लिख दिया फिर यहाँ से ये यह डिफरेंस हो गया नाउ प्रजेंस ऑफ वीक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटें सॉरी प्रेजेंस ऑफ वीक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाई एल ई डी एंड इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई टॉर्च बल्ब तो दो हमने यहाँ पर डिफरेंस लिखे एक डिफरेंस और लिखेंगे जो कि नेक्स्ट पेज पे है चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम इसका देखते हैं आगे का सो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं इसका हम एक, एक फेक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का एक और कंपेरिजन था डिफरेंस था क्या है इसमें अ लार्ज करंट इज रिक्वायर्ड टू हीट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड देन इट इमेट्स द लाइट ठीक है उसी में एड हुआ है और बट एल जो होता है वो थोड़े से ही अगर मान लो वीक करंट भी रहता है तो भी वो डिटेक्ट कर लेता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का हमारा गिव द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टर इन विच सिचुएसन दे आर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ आपको कर, टेस्टर बताना है कौन कौन से सिचुएसन में कौन सा टेस्टर यूज होता है वो भी बताना है सोंसर so, देखोगे यहाँ से शुरू है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेस्टर वन नंबर टॉर्च बल्ब टेस्टर सेकेंड एल ई डी टेस्टर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से कंडीशन में किसका यूज होता है टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट द प्रजेंस ऑफ लार्ज करंट इन द सर्किट टॉर्च बल्ब टेस्टर इज यूज टॉर्च बल्ब कभी यूज होगा जब ज़्यादा करंट डिटेक्ट करना है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट इन द सर्किट एल ई डी टेस्टर और मैगने इलेक्ट्रो मैगनेटिक टेस्टर इज यूज नॉर्मली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेस्टर इज यूज वाइडलीटेक्ट द वीक करंट ऑफ द बिकॉज एल ई डी टेस्टर इज कॉस्टली दैट्स वाई बी यूज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेस्टर ठीक है वीक करंट के लिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन आया अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका क्या बोला है लिस्ट द पॉसिबल इफेक्ट्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन सो आंसर द पासिस पासिस द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट हमें रिजल्ट में क्या होगा देखते हैं बबल्स ऑफ द गैस मे बी फॉर्मड ऑन द इलेक्ट्रोड सेकंड पॉसिबिलिटी चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में भी थर्ड पॉसिबिलिटी डिपोजिट ऑफ मेटल में भी अब केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट होता है हमारा फिफ्थ का नाउ इसका सेवन क्वेश्चन पे आया अभी हम ठीक है सेवन के बाद इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर एट तक करेंगे इसका सिक्स का एट का बाकी का जो क्वेश्चन होगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या है वॉट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिव टू एग्जाम्पल्स आंसर द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन और चेंज टेक्स प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एग्जाम्पल चेंज इन कलर ऑफ द कंडक्टिंग सोल्यूशन क्या हो सकता है चेंज इन कलर ऑफ And तो यह हमारा है क्या होता है सेवन नंबर का क्वेश्चन का क्वेश्चन देखेंगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एट नंबर डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई हाउ कैन बी मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो आंसर डिजिटल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट एंड मिनरल्स देयर फॉर इट डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव आंस फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं डिजिटल वाटर नेक्स्ट आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इसका पेज पर पे बाकी का इसका आंसर दिया है एट नंबर का सो so, नेक्स्ट पेज पर पे आगे हैं यहाँ पर क्या है आगे का क्वेश्चन डिजिटल वाटर कैन बी मेड अ गुड कंडक्टर ऑफ बाई एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड बेजिस और सॉल्ट इन इट ठीक है तो हम जो मान लो डिजिटल वाटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है बट उसको हम इलेक्ट्रिक सिटी कंडक्ट करवा सकते हैं अगर उसके अंदर एसिड बेजिस या सोल्ट थोड़ा बहुत ऐड कर दे तो ओके तो यहाँ पे हमारा सेकंड वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स का एट तक क्वेश्चन कम्प्लीट होता है बाकी के जो क्वेश्चन बचें आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का नाइन से यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट ओके okay, सो so हमारे साथ बने रहिए वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच